नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल वी हैव इज काइट। काइट जो है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास में काइट हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये हो गया आपके पास में लेट्स से ए बी सी डी, एक डायगोनल ये हो गया आपके पास में, एक डायगोनल ये हो गया बी डी, ठीक है। तो इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, मतलब कि ए डी और सी डी जो है वो इक्वल होंगी, और ए बी और बी सी जो है वो इक्वल होंगी। तो काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि उसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो ए डी जो है वो इक्वल टू हो गया आपके पास में डी सी, एंड है ना टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है। और ए बी जो है वो इक्वल हो गया आपके पास में बी सी के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बट दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास में एग्जैक्टली एक इसका जो है डायगोनल इस तरह से होगा, जो कि जैसे अगर हम बात करें यहां पर बी डी जो है वो एक ऐसा डायगोनल है जिसके अबाउट, जो अगर हम सपोज करो ट्रायंगल बी सी डी को फोल्ड करें तो वो ट्रायंगल ए बी डी को जो है पूरी तरह से ढक लेगा, मतलब कि ओनली वन डायगोनल डिवाइड्स द फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस केस में बी डी जो है वो एक ऐसा डायगोनल है जो कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में काइट, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, वो है आपके पास में बी सी डी और बी ए डी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ओनली वन डायगोनल डिवाइड द काइट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ओनली वन कर देते हैं इसको, ठीक है। ओनली वन डायगोनल डिवाइड द काइट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसा नाम से ही हमको पता चल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब हो गया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टाइसेस हैं वो अगर किसी सर्कल पर लाई कर रहा है, मतलब कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपके पास में सर्कल, अब एक क्वाड्रिलेटरल आप इस तरह से ड्रॉ कर दो कि जो चारों वर्टाइसेस हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से तो ये हो गया आपके पास में ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज करो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह से अगर सपोज करो कि ये गामा है, ये एंगल डेल्टा है, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू भी कितना होगा 180 डिग्री, मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक बात है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और फिर क्या बोल रहा है, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर सपोज करो
कि इसके अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लें तो डायगोनल्स हो गए हमारे पास में लेट से ए बी ए सी एंड बी डी, ठीक है। और अगर हम इन साइड्स की लेंथ को कुछ बोल दें, सपोज करो ए बी की जो लेंथ है उसको हम बोल दें लेट से पी, बी सी की जो लेंथ है उसको हम बोल दें लेट से क्यू, ठीक है, सी डी को बोल दें हम आर और ए डी को बोल दें हम एस, और जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ सपोज करो ये डी वन हो गया और ये डी टू हो गया, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई हमारे पास में यहाँ पर P और R, ये अपोजिट हो गए, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, तो प्रोडक्ट क्या आ गया P इंटू R, फिर एक और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास में Q इंटू S और उनका सम प्लस Q इंटू S, सो दिस इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। आई होप क्लियर है, तो इसको लिख देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आई होप क्लियर है बात।